तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 23rd ऑफ 90 डे स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो अपने आज की सेशन को कंप्लीट करके हम निकल पड़ते हैं आईपैड को लेने सर्विस सेंटर। जब उबर ऐप पे देखा तो रैपिडो सस्ता पड़ रहा था, तो हमने रैपिडो बुक कर लिया और रैपिडो पे हम निकल पड़े। पहले तो काफी मजा आ रहा था, लेकिन जिस तरह रैपिडो की रफ्तार बढ़ी और गर्म हवा जिस तरह चेहरे पे लग रहा था, तो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। और जब देखा तो 28 मिनट का रास्ता बाकी है, तो हमने छुपा लिया खुद को भैया के पीछे। अब हालात खराब होके मैं सर्विस सेंटर पहुंच जाता हूं। अब जो भी हमारा आईपैड ठीक हो चुका है, अब हमारा सब्सक्राइबर कमेंट कर रहा था, जो आपने वॉच पहना है उसमें कितनों का घर चला जाएगा। और सच कहूं तो ये वॉच मेरे मम्मी ने लाया था 3000 रुपए में। तो हम खुशी खुशी से अपने आईपैड को लेकर निकल पड़ते अपने घर की ओर, और रास्ते में बहुत प्यारा सा सनसेट का नजारा था। तो आते वक्त हमने थोड़ा फ्रूट भी खरीद लिया। अब 2 सेब और 1 आम के पूरे 90 रुपए पड़ गए। अब इस जगह हर चीज सस्ता है सिवाय फ्रूट के, और यही रीजन है कि हम ज्यादा फ्रूट नहीं खाते। वापस आके पता नहीं बहुत ज्यादा थकाव महसूस कर रहा था, तो अपने आईपैड को चार्ज पे लगा दिया, उसको सेटअप करके हम सो गए। लेकिन जब हम 1-2 घंटे बाद उठे तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था और मेरा नेक पेन काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और जाहिर सी बात कुछ दिनों से मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द भी कर रहा था। अब बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था तो हम दवाई खा के सोने चले गए। अब लॉगिंग करने की हालत में थे नहीं, तो अगले दिन 4 बजे थोड़ा बेटर फील कर रहा था, लेकिन जब हमने कमरे की हालत देखे तो काफी गंद पड़ चुका था। अब बहुत ज्यादा सुस्ती भी फील हो रहा था, तो इसीलिए हमने पूरे कमरे को सफाई करना स्टार्ट कर दिया, अपने सारे किताब और बुक्स को अरेंज कर लिए। हालांकि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। अब फीलिंग्स का क्या है, आते चले जाते रहते हैं। अब मैंने 1 हफ्ते पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि आज ईद के दिन हम पूरे कमरे को साफ करेंगे, तो इसीलिए हमने सारे चीजें साफ कर लिए। अब सफाई करने के बाद कमरा को जैसा दिख रहा है, अब कमरा तो पूरा साफ हो चुका, लेकिन अब खुद की सफाई करने का बारी था। तो हमने नहा धो लिया और नए कपड़े पहन लिए, और ये कपड़ा काफी खुला ढीला और कम्फर्टेबल था। तो फिर उसके बाद हमने ईद की नमाज पढ़ ली और पटने बैठ गए। अब ये सब करने के बावजूद भी मेरा हालात कुछ इस तरह पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा क्लासेस को जल्दी कम्प्लीट कर लेते हैं, एंड कल संडे है तो हम कल थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी गाइस, थ्रू आउट दी जर्नी हमें अपने सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं ना यार, कुछ भी करने का मन नहीं करता, और यहाँ तक कि मेरा गला भी पूरा बैठ चुका था। एंड राइट नाउ मेरी आवाज भी कुछ अजीब सा आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, जल्दी से पटना स्टार्ट करते हैं, एंड होप जल्दी से ठीक हो जाए यार। यू नो, जब हमारी बॉडी साथ नहीं देता है ना, तो लिटरली हम कुछ कर नहीं पाते। सो अपनी बॉडी का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, फिजिकली खुद को ज्यादा फिट रखना पड़ेगा, एंड यार उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए जिससे बीमार हो। लिटरली कल मेरा सर फटा जा रहा था, नेक बहुत ज्यादा पेन कर रहा था, एंड अचानक से अभी पूरा आवाज बंद हो गया, क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, बट बाकी जो अभी थोड़ा डर था वो चला गया। एंड आज ईद भी अच्छे से नहीं मना पाया, पर जो भी हो जल्दी से हमारे पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और बोलते कम है आज। तो आज तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मैं मुसलमान होके गीता क्यों पढ़ता हूँ। वो यार कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जब जब अधर्म हुआ है तब तब धर्म को स्थापना करने के लिए कोई न कोई तो आया है। तो यही सेम चीज कुरान में भी कहा जाता है कि हमने हर एक कम्युनिटी को अपनी जबान में स्क्रिप्चर्स भेजे। और जब हम दुनिया के इतिहास को देखते हैं, दुनिया के जिस कोने में भी अधर्म हुआ तब तब कोई न कोई तो जरूर आया। आज मैंने ईद इसलिए नहीं मनाया जस्ट बिकॉज मैं एक मुस्लिम हूँ। पता है गाइस, 1400 ईयर अगो अरब में छोटे छोटे बच्चों को जिंदा दफन किया जाता था, एंड इट वाज ए मेल डोमिनेंट सोसाइटी, एंड वुमेन्स वर ऑब्जेक्टिफाइड एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट, जहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, स्लेवरी और इग्नोरेंस हर जगह छाया हुआ था। तब धर्म को स्थापना करने के लिए एक ऐसा पर्सनैलिटी निकल कर आता है, और ये तो धर्म की जीत हो गया ना यार, इसमें रिलीजन का क्या लेना देना। और ठीक इसी तरह महाभारत हो, रामायण हो, करबला की जंग हो, ये सब कुछ इंसानियत यानी धर्म को स्थापना करने के लिए हुआ था। लेकिन आजकल इंसान और धर्म को छोड़ के खुद की कल्चर को बड़ा दिखाना, दूसरों की कल्चर और बिलीव्स को ठेस पहुंचाने में लगे पड़े, एक दूसरे से सीखने की बजाय हम एक दूसरे को नीचा गिराने में लगे पड़े। देखो यार, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से इतना कहना चाहूँगा, हमेशा एक दूसरे की कल्चर और बिलीव को ही रेस्पेक्ट करना, और एक दूसरे की कल्चर को जान के उससे कुछ अच्छा सीखना, और हमेशा धर्म और इंसानियत के लिए काम करना। देखो यार, मैंने 3-4 साल पहले ही डिसाइड कर लिया था, मैं इन सेकंड हैंड नॉलेज पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहूंगा, बाबा मुल्ला पीर और ये सोशल मीडिया पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहूंगा। और यार मैं इतना खुशकिस्मत होना जो मैं इस देश में जन्मा, और इतने सारे कल्चर से सीखने और जानने का मौका मिला। तो अभी डिनर का टाइम भी हो चुका था, भूख भी ज्यादा लग रहा था, इन सारे फलों को मिला के हमने अपने लिए जूस बना लिया। तो आज पहली बार मैं फ्रूट ग्राइंड करके जूस बना के पी रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा होता है। अब थोड़ा बचा है तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, जल्दी से पढ़ते पढ़ते हम क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की क्लास कम्प्लीट करने से पहले मैं मैपिंग करूंगा। तो हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहा था कि व्लॉग में दिखाने के लिए इतने अच्छे अच्छे मैप बना रहे हो और अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब आप जो भी समझे। लेकिन यार, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम में बहुत सारे मैप्स और डायग्राम बनाने पड़ते हैं, और जहां तक मुझे लगता है विद इन 30 सेकंड में हमारा मैप या डायग्राम बनना चाहिए ताकि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, तो सबसे पहले हम जल्दी से हमारे मैपिंग सेशन को कम्प्लीट करते हैं। तो जल्दी से हमारे ऑप्शनल की क्लासेस को कम्प्लीट करते हैं।
तो अभी टाइम 11:17 हो चुका है और हमारे ऑप्शनल की भी क्लासेस कंप्लीट हो चुका है, तो जल्दी से हम पॉलिटी की क्लासेस को भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी टाइम बराबर 1 बज रहा है और हमारे पॉलिटी और ऑप्शनल की भी क्लासेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हेडेक से मेरा पूरा सर फटा जा रहा है और बहुत ज्यादा भूख भी लग रहा है। तो फ्रिज में एक आम पड़ा हुआ है, जल्दी से इसको खाते हैं और सो जाते हैं। तो 1 बजे सो के जब मैं सुबह 6 बजे उठा तो मेरा नेक पेन और हेडेक अभी भी ठीक नहीं हुआ था, तो मैं फिर से सो जाता हूं और 9 बजे उठ जाता हूं। तो आज संडे तो कोई क्लासेस नहीं है, लेकिन कल की हिस्ट्री की क्लासेस कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो हिस्ट्री का 1-2 दिनों में हमारा मिडिल इंडिया भी कंप्लीट होने वाला है, तो कल परसों से बहुत ज्यादा रिविजन करना। तो बाकी सारे सब्जेक्ट के मैं क्लास की बात की प्रीवियस चैप्टर को रिवाइज कर रहा हूँ, और आज से मैं रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालूंगा और क्लास के साथ साथ ही मैं रिवीजन करता चला जाऊंगा। तो कल जो नया कपड़ा पहना था वो 1 दिन में ही फट चुका है, तो मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा भूख। तो फिर हम चले जाते हैं सीधा ब्रेड और दही लेने के लिए, और ब्रेड और दही खा के जल्दी से हमारे हिस्ट्री की रिवीजन को कंप्लीट करते हैं, एंड फिर उसके बाद आज की सेशन को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी भी मैं पूरी तरह ठीक नहीं हुआ हूं। और गाइस थैंक यू यार इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, और मुझे पता नहीं चल रहा है कि दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है। लिटरली गाइस जब तुम में से बहुत सारे लोग कमेंट करता है मेरे व्लॉग तुम लोगों को हेल्प कर रहा है और इंस्पायर और मोटिवेट कर रहा है, तो काफी ज्यादा खुशी मिलता है। सो गाइस अभी 1 बज रहा है, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल के बाद हम हमारे डेली और कंसिस्टेंट व्लॉग में मिलते हैं, क्योंकि अब हमारा आईपैड ठीक हो चुका है और इसमें एडिटिंग करने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो थैंक यू गाइस इतना ज्यादा प्यार दिखाने के लिए, चलो फिर हम कल के व्लॉग में मिलते हैं।